Hey guys, welcome and welcome back to our channel. सोना सिंह सोनू में तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं सोनपुर मेला, जो कि खत्म होने के बाद कुछ ऐसा दिखता हमको लग रहा था खत्म हो गया, लेकिन खत्म ये हुआ कहाँ है। देख सकते हैं आप इस साइड में अभी ब्रेक डांस है ही, और इस साइड में मौत का कुआं भी लगा है ही, और भी बहुत कुछ, अभी छोटा छोटा शॉप भी रह ही गया, तो खत्म कहाँ से हुआ है ये। बहुत सारा स्टॉल भी आगे में दिख ही रहा है, बस जगह थोड़ा खाली खाली जरूर है। अभी ये बड़ा वाला झूला जो सबसे बड़ा वाला रहता है ये भी है, और उस साइड में जो यज्ञशाला, अच्छा शायद यहाँ पे यज्ञ हुआ था ना कुछ दिन पहले, हाँ 10-15 दिन पहले, तो वो वाला, हाँ, और यज्ञ खत्म हो गया है। बाकी सुंदर ये अभी भी लग रहा है बहुत ज्यादा, ये सब बांस का पतला पतला लकड़ी से बना हुआ है। और इस साइड में बाकी निकल के, जैसा कि हम बोले थे दिखाएंगे आपको, तो निकल के ही हम दिखा रहे हैं। इस साइड में बहुत बड़ा हनुमान जी का प्रतिमा है, जो कि अभी एक दिन पहले जग में गए थे वहाँ पे भी मिला था। हाँ, वहाँ पे भी बहुत बड़ा हनुमान जी का मूर्ति था, यहाँ पे भी है। अब सामने से देख सकते हैं ये कितना बड़ा है। जो भी लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं उनको तो जरूर ही इस जगह के बारे में पता होगा। बाकी सामने से ये सब सीन कुछ इस टाइप का दिख रहा है। थोड़ा इधर में वो है संगत ग्रैंड गार्डन एंड बैंक्वेट हॉल है, हाँ विवाह भवन है। और उस साइड में वो चौक भी तो है, वहीं पे उतरे थे लोग। हाँ, हाँ, गजग्रह चौक भी वहीं पे है। इससे पहले एक बार हम लोग वीडियो डाले थे, कमेंट भी आया था कि आए तो बताए नहीं, हाँ, फिर भी हम लोग वही काम। और इस साइड फिर से वही लगेगा कि हम लोग बताए नहीं है, ऐसे ही पहुंच गए। उस साइड काफी खुला खुला माहौल लग रहा है, जबकि मेला के समय में हर एक जगह भरा भरा दिखता है पूरा। देखते हैं आगे जो जो कुछ होगा दिखाएंगे आपको। बाकी नौलखा मंदिर का बोर्ड देख सकते हैं, लोग बहुत करीब है, एकदम जस्ट पास में ही है। अभी वहीं हम लोग पहुंचने वाले हैं नौलखा मंदिर। पहले आते थे यहाँ पे ना, तो मम्मी से पूछते थे कि नौलखा मंदिर नाम का है, बोले 9 लाख पैसा लगा रहा है का। तो मम्मी बोलते थे कि नहीं मंदिर के नाम है ये। तो ये पिंक वाला है क्या? हाँ, अच्छा तो ये रहा नौलखा मंदिर इस साइड से। बाकी पास में जाके आपको पूरा दिखा देंगे। यहाँ से देख सकते हैं पूरा आपको दिख रहा होगा, लेकिन टॉप का ज्यादा दिख रहा होगा। बाकी मंदिर में जाके आपको नीचे से ऊपर तक दिखाएंगे। बाकी हम फ्री हैं, ये लोग अपना जूता चप्पल खोल रहा है, लोग बारी बारी से गाड़ी में, और पहुंच चुके हैं हम लोग नौलखा मंदिर के पास, जहाँ पे लिखा हुआ है फोटो खींचना मना है, बट पता नहीं वीडियो बनाना शायद हो तो वीडियो बनाने के लिए मना नहीं हो। बाकी वहां पे देख सकते हैं लिखा है फोटो खींचना मना है, और वेलकम के लिए कोई वहां पे खड़ा है। ये टॉप का व्यू है, और ऊपर से ये नीचे आते हुए कुछ मंदिर ऐसा दिखता है। बाहर से जल चढ़ाना भी मना है, वो हम लोग ऐसे भी नहीं चढ़ाते हैं। खैर चलिए अंदर का देखते हैं कैसा है। दर्शन हम लोग कर लिए, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि तीन यहाँ पे दर्शन करने के लिए मंदिर है छोटा छोटा, लेकिन सब में ताला लगा हुआ है। पता नहीं क्या है क्यों है। एक दोपहर का समय होता है तो समझ भी आता है कि दोपहर है तो मिड डे में बंद रहता है, बट अभी शाम का समय हो रहा है फिर भी सब कुछ बंद है। जो भी लोग यहाँ आए हैं प्लीज कमेंट करके बताएगा कि ये क्यों बंद है, क्योंकि हमको तो समझ नहीं आ रहा है क्यों बंद है सब कुछ। हम बाहर से देखने में नहीं लग रहा था अंदर से इतना सुंदर होगा, लेकिन है बहुत सुंदर। बाकी अब फेरी लगाने जा रहे हैं हम लोग। अगेन यहाँ पे भी ताला बंद ही मिला हम लोग को, क्या हो रहा है नहीं समझ में आ रहा। भगवान जी कहीं किसी को दर्शन देने से शायद नाराज हैं क्या। अच्छा अंदर में नहीं जाना है, खाली बाहर तो ताला लगते हैं, ऐसे ही रहता है। नौलखा मंदिर का कुछ नजारा है, नौलखा मंदिर तो लग रहा है कि नौलखा मंदिर है। हाँ, और पुजारी जी से हम लोग रहा नहीं गया, तो हम लोग बात पूछ लिए कि क्यों मंदिर बंद है, कि क्यों ताला लगा, कि भगवान को छूना मना है इसलिए। अब मेरे को रीजन ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि ज्यादा सेफ्टी की वजह से ये लोग ताला लगाया हुआ हो, क्योंकि ऐसा तो हम दूसरे मंदिर में नहीं सुने। भगवान को छूने कोई नहीं जाता है, लेकिन एटलीस्ट सामने से दर्शन कर लेता है इंसान फेस टू फेस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ऐसे कहीं भी रहो साफ मन से पूजा करने पे ही फल मिलता है। नौलखा मंदिर में बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, देख सकते हैं कितना बड़ा मंदिर है। इधर बाहर में वेलकम करने के लिए ये भगवान जी हैं। नौलखा मंदिर के जस्ट पास में पड़ता है काली घाट, तो अभी काली घाट आए, लेकिन मोजर इतना है कि देख के लग रहा है इतना आम हो जाए तो पेड़ कट
कमर टूट जाए। हम लोग पहुंचे हैं काली घाट बीच। बहुत ज्यादा हमको लगता था कि हम बोलने वाले हैं, लेकिन देखे कुछ झुंड तो फिर पता चला हम कितना बोल सकते हैं। बाकी हम लोग अभी तो यहाँ पे अकेला आए हैं अलोता में। हाँ, बोलेंगे इधर। और यहाँ काली घाट आए थे हम लोग ऐसे रील्स वगैरह या फिर घूमने के लिए, लेकिन आए तो पता चला सारे इन्फ्लुएंसर्स यहीं पे भरे हुए, एक लाइन से मतलब भरे पड़े पूरा उधर तक, जहाँ से हम लोग इन किए काली घाट के लिए वहाँ से स्टार्ट है पूरा, इन्फ्लुएंसर्स ही भरे हुए। हाजीपुर वाला पुल है उधर, जो आप पुल देख रहे हो हाजीपुर वाला पुल है। हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पे घूमने, पूछेंगे कितना पैसा ले रहे हैं काले, उसके बाद फिर घूमेंगे। तो भाभी अभी ऊपर है, आराम से गिरी है, बड़ा बड़ा सीढ़ी है इसलिए समय लग रहा है। सोनपुर में आए हुए हैं, तो सोनपुर में घूमने का जगह है, तो हम लोग पानी में भी जाएंगे नीचे घूमने। क्या रुपया? 50 रुपया एक आदमी। एक आदमी का 50 रुपया। कुछ डिस्काउंट? कोई डिस्काउंट नहीं यहाँ पर। चलिए घुमाइए तो। ये सब चीज बहुत रिस्क वाला है, तो वो घुमा रहे हैं वही काफी है, पूरा सेफ्टी साथ है। हाँ, सेफ्टी के साथ में है। सेफ्टी भी तो ये बेचारे दे रहे हैं, इनका भी सेफ्टी है, फिर से जो इनके साथ बैठ रहा है उसका भी सेफ्टी का ध्यान रखना है, तो सब कुछ लेके उतना सही है। चलिए बाकी स्टार्ट हो गया है, मोटर वाला नाव कहे या जहाज कहे जो भी है, लेकिन मजा आने लगा है। थोड़ा अंदर में डर है, देखते हैं बीच में जाने पे क्या होता है। अभी तो साइड में ही है लोग, किनारे पे ही, नाव पे भी किनारे पे ही है और नाव भी अभी किनारे पे ही है। पानी तक छूने में अभी डर है कि कहीं डूब मत जाए। बाकी उस साइड में आज थोड़ा खाली खाली है, बिकॉज आज संडे नहीं है, संडे के दिन बहुत ज्यादा भीड़ होता है। बाकी एंजॉय करते हैं, उतर के अब आपसे बात करेंगे। अच्छा लग रहा है। रील्स बनाने के लिए चढ़े हैं, खतरों के खिलाड़ी बन गए। गिरेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग इस पर से। पानी गंदा है, हाथ में माटी लग जा रहा है। ये पता नहीं कौन सी ट्रेन है, बट किसी को जानना हो तो जूम करके देख लीजिएगा वीडियो, शायद आपको दिख जाए। बाहर में जाएंगे तो आपको चाउमीन चाट कुछ और पता नहीं क्या क्या मिलेगा, लेकिन हमारे बिहार का पहचान है, आप किसी भी घूमने वाली जगह पे जाएं वहाँ आपको भूजा जरूर मिलेगा। भूजा, सत्तू, लिट्टी, ये सब जरूर हमारे स्ट्रीट फूड या मेन कोर्स में भी आता है ये सब चीज। अभी हम लोग खड़े हैं चौपाटी रेस्टोरेंट के फ्रंट में, बाकी इस साइड में काली घाट वाला घाट भी है, इस साइड में चौपाटी रेस्टोरेंट है जो कि एकदम नया है, जो भी लोग यहाँ आते हैं जरूर इसमें जाते हैं, बट हमारा पेट भरा हुआ है हम नहीं जा रहे हैं। और वहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए बुलेट लगाया हुआ है, ना कि सवारी करने के लिए, कि स्कूटी बीटी नहीं है, स्कूटी यहाँ पे लगाया हुआ है फोटो सेशन के लिए। आप जो चौपाटी रेस्टोरेंट देखे उसके जस्ट साइड से ये रास्ता जाता है जो कि कहीं ना कहीं तो निकलता है, जो कि मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट इतना पता है कि इसका एंड होता है हरिहरनाथ मंदिर के पास में। वहाँ हाँ फोटो शूट या रील्स वगैरह के लिए जगह बहुत ज़्यादा जाना जाता है। बाकी अभी हम लोग घूम फिर के थोड़ा बहुत खा पी के थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, जो कि एक पॉइंट है, मे बी कि इस पॉइंट को लवर्स पॉइंट कहें, कपल पॉइंट्स कहें, या कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, घूरी होते ऐसे। और यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा डांस भी कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा अच्छा रील बना रहे हैं लोग, देख के लग रहा है कि। और एक छोटा सेल्फी पॉइंट उस साइड में भी है, बाकी पूरा एरिया देख सकते हैं वहाँ तक है, उस साइड में भी है बहुत सारा है, लेकिन हम लोग किसी अदर जगह पे हैं। और इसके बाद अब हम लोग सोच रहे हैं घर निकलने का, हम लोग इसी में अभी खड़े होके इसके पहले वाला टेक ले रहे थे। बाकी ऐसा ऐसा बहुत सारा पॉइंट है यहाँ पे इस घाट पे, हरिहरनाथ का भी प्लान था बट वहाँ हम लोग नहीं गए, बिकॉज एक बार जा चुके हैं और शाम के समय में खा पी के क्या ही जाना, जब कभी जाना है तो अच्छे से जाएंगे पूजा पाठ करने। बाकी हो गया इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में होता क्या है। बाकी बिहार में टूटे हुए दिलों का कमी नहीं है, बिहार के लोग दिल टूटने पे UPSC BPSC क्रैक करते हैं, बट जो लोग बच जाते हैं वो यहाँ आते हैं बेवफा चाय वाले के पास।